जी व्यूअर्स, एंजॉय किया आपने रेड कार्पेट विद कावो पेज? आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कितना मजेदार इवेंट था। हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन के साथ, द वेरी फेमस डायरेक्टर, एक्टर एंड राइटर, द फेमस डायरेक्टर ऑफ सुपरस्टार। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है इज अबाउट सुपरस्टार। सुपरस्टार इज वॉज वन ऑफ द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019। तो ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? सुपरस्टार अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019, अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं आंगन एक प्ले कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले आवाज़ तो काफ़ी सुनी थी। एक स्क्रिप्ट मोमना के पास था, मोमना दुरेद, जो MD प्रोडक्शंस जी जी, और जितना भी टेलीविजन पे इस वक्त आप हम TV पे ड्रामा देखते हैं वो मोमना प्रोड्यूस करती हैं और बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ हमारा सफ़र भी उनके साथ जो है वो शुरू से अभी तक चल रहा है। तो वो आंगन के ज़माने में एक कॉल आती है मेरे पास मोमना की और कहती हैं कि वो एक सुपरस्टार फिल्म है, वो तुम्हें करनी है। तो मैं उस वक्त आंगन में ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ से बहुत सारा काम भी बाकी था। बिल्कुल। मैंने कहा वो कैसे होगा? नहीं तो बस तुम छोड़ दो, तुम बस वहाँ से कम्प्लीट करके वापस आओ, फिर बात करते हैं। तो वो ये था कि अज़ान समी खान ने एक खूबसूरत कहानी लिखी थी जिसका बड़ा चर्चा था, जो मुझे कहीं कहीं ऐसा आवाज़ आया करती थी। तो ये कोई 2-2.5 साल से मोमना के पास मौजूद था और वो उसको बनाना और नहीं बनाना और अभी रुकना है, कभी कोई डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे कान से हमने सुनी हुई थी। तो जब मैं वापस आया आंगन करके तो अज़ान ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया और वो मुझे इतनी खुशी और हैरत हुई कि एक यंग बच्चा जिसने वो ऐसा भी सोच सकता है और इतनी खूबसूरत कहानी वो लिख सकता है जिसके अंदर एक दिल धड़क रहा है, जो कि उमूमन स्क्रिप्ट में मौजूद नज़र नहीं आता। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ये मुझे उसने बड़ा मुतासर किया। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। और फिर उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ और मेरा ख्याल है कि हमने 4G की स्पीड पे फिल्म बनाई जो अभी हमारे पास हाई स्पीड है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बनी भी और वो रिलीज़ भी हो गई वक्त पे, और अब वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी कह रहे हैं उसको। खुशी उस वक्त ज़्यादा होती जब ज़्यादा फुटफॉल होता है सिनेमा में। ठीक है, ये ज़रूर है कि वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। हाँ, लेकिन आपको एक होता है कि आवाम भी क्या रिस्पॉन्स दे रही है। आवाम का आना सिनेमाज की तरफ ज़रा कम हो गया है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो सिनेमा हॉल्स की तरफ रुख करें। और जो भी फिल्में बना रहे हैं लोग, वो सबकी बड़ी मेहनत होती है, तो उसमें कोशिश करें कि देखें पाकिस्तानी फिल्में और अप्रिशिएट भी करते रहें, क्योंकि हमारे सिनेमा इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि आवाम की पजीराई भी मिले और उनकी सपोर्ट भी हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था विद द कास्ट ऑफ सुपरस्टार? सुपरस्टार की कास्ट तो एक ड्रीम कास्ट है एक्चुअली। हमने बहुत इन्जॉय किया, ख़ास तौर पर सुपरस्टार के यानी के लिए हम जहाँ जहाँ भी गए, इवन हम प्रमोशंस तक भी हम साथ रहे और बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया। माहिरा एक बड़ी डेडिकेटेड एक्टर है और उसके साथ मेरा पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त रहा। बहुत अच्छी लर्नर है, बहुत फोकस के साथ काम करती, और जब कोई प्रोजेक्ट लेती है तो फिर वो उसके साथ इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ जुड़ती है कि इसी वजह से वो माहिरा खान। और सत के तुम्हारे में भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसके बाद फिर हमने दूसरा प्रोजेक्ट ये वाला किया सुपरस्टार और बहुत मज़ा आया। और फिर बिलाल अशरफ, एक बहुत मेहनत करने वाला फनकार मैं कहूँगा, यानी सेट पे तो खैर मेहनत है ही है, लेकिन ऑफ सेट भी, चूँकि वो उसको एक फ़िज़िकली जिस तरह से हमने दिखाया तो उसमें काफ़ी मेहनत इन्वॉल्व थी और उसकी बॉडी ट्रेनिंग और ये सारा कुछ वो काफ़ी मेहनत से की उसने। परफॉर्मेंस भी उसने बहुत अच्छी दी। और इसके अलावा और जितने लोग थे, जैसे मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ, नदीम साहब के साथ काम किया मैंने, जिनकी पहली फिल्म मैंने अगर कोई सिनेमा पर जाकर देखी तो वो उनकी थी। मैं छोटा सा बच्चा था और एक फिल्म थी उनकी नादान, वो हम देखने गए थे, मुझे याद है। तो पहली पाकिस्तानी फिल्म मैंने देखी वो नादान फिल्म थी और वो नदीम साहब की थी। तो ये मेरा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नदीम साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इसी तरह शेख साहब हैं, बहुत सीजन, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, हमारी इंडस्ट्री के सरमाया है मैं कहता हूँ, तो उनके साथ काम करना भी एक बड़ा। और उसके अलावा बाकी मेरे जितने कास्ट मेंबर्स थे, हर कोई मुझे जो है वो
मुझे बहुत मज़ा आया सुपरस्टार में काम, और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस तरह से टीम्स बनती रहें तो फिर हम बहुत आगे तो तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो अभी भी मैं मिस करता हूँ सुपरस्टार। चलें अब उसकी कामयाबी के बाद व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन विद दम मस्तम? दम मस्तम फ़ौरन सुपरस्टार के फ़ौरन बाद मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ अदनान सिद्दीकी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार एक स्क्रिप्ट है अगर तुम मेरे लिए करो। तो मेरे पास एक यानी सुपरस्टार के बाद एक गैप था, उस गैप को कहीं फिल तो करना था। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताना क्या है, तो फिर मैं वहाँ गया और दोबारा मुझे मतलब एक हैरत का सामना ये हुआ कि अमर खान एक यंग एक्ट्रेस हैं और वो डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, और उन्होंने एक कहानी लिखी, वो उन्होंने मुझे नरेट की और मैं फिर कहानी में फंस गया। तो आपको पहले ही बताया मैंने कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर अच्छी होती है तो फिर वो मुझे अट्रैक्ट, में हाँ मैं उसकी तरफ खींचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सुनाई जाए। तो ख्वाब किसी एक कैफियत थी, तो वो ख्वाब जो है वो अमर का देखा हुआ ख्वाब था, अदनान उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, इस ख्वाब को पूरा करने में मेरा भी किरदार होना चाहिए, और मैं कूद गया उसके अंदर। और आई एम हैप्पी कि कूदा, क्योंकि वो फिल्म बनती जा रही है, मैं 50% कम्प्लीट कर चुका हूँ। अगेन मेरी टीम बहुत अच्छी है, इमरान अशरफ, अमर खान, सलीम मिराज, सैफ हसन, हमारे सुहेल अहमद साहब, और मैं वो कर रहा हूँ अंदरून लाहौर में। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं वो पूरा स्पेल करके आया हूँ लाहौर में सर्दियों में। तो कोशिश की है कि एक दफ़ा इस दफ़ा ज़रा सा दूसरे तरीके से कहानी सुनाएं। अब ये तो लोग देखकर फैसला करेंगे कि कैसा है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट की भी उम्मीद भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑफ कोर्स जी बिल्कुल। चले नाजरीन अब वक्त हो गया हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, हमारी बातचीत हो रही मोहम्मद एहतशामुद्दीन के साथ अबाउट फिल्म्स एंड ड्रामास इन पाकिस्तान। सो व्हाट्स बेटर टू टेक यू गाइस टू मीट एन एक्टर जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थिएटर्स के साथ एंड हैज़ बिकम अ वेरी फेमस एक्टर इन ड्रामास एज वेल। आप देख रहे हैं उनको हम टीवी पर आजकल एज ताशा इंदासी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ फरियाल महमूद की। सो लेट्स गो एंड टॉक टू फरियाल महमूद इन कावो पेज विद फरियाल महमूद। हे फरियाल, कैसे हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। तो तैयार हैं आप कावो पेज के साथ क्विक चिट चैट के लिए? बिल्कुल, कम ऑन इन। फरियाल, आप घर में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? मैं सबसे ज्यादा क्लोज अपने भाई से हूँ, मेरा छोटा भाई। फरियाल, अ गुड एक्टर और अ गुड डांसर? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आई थिंक आई एम अ गुड डांसर, बट लोग शायद अलग सोचते होंगे, पता नहीं। क्या आपने अपने बारे में कभी कोई रूमर सुना है? बहुत सारे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे सच हों, कुछ सच भी होते हैं, कोई बात नहीं। कोई ऐसी किताब या मूवी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखती हूँ, बुक्स इतना पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ते हुए मैं सो जाती हूँ। मूवीज बहुत ज्यादा मुझे अफेक्ट करती हैं जी, बट आई कांट थिंक ऑफ अ मूवी राइट नाउ एट द मोमेंट। फरियाल, क्या आप सिंगल हैं? मैं सिंगल नहीं हूँ। महवूश हयात या मावरा हुसैन? डेफिनेटली महवूश हयात, ऑल द टाइम, ऑलवेज। फरियाल, डू यू बिलीव इन हॉरोस्कोप? यस आई डू एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हॉरोस्कोप लाइक सिमिलर हॉरोस्कोप के लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी आदतें और वो जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ सिमिलर होता है। किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ काम करना चाहेंगी? इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ काम करना चाहूँगी, आई वुड लव टू वर्क, देयर लॉट ऑफ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, आई वुड लव टू वर्क विद डैनियल डे लुइस। या लॉन्ग ड्राइव्स या लॉन्ग फ्लाइट्स? डेफिनेटली लॉन्ग ड्राइव्स ओवर लॉन्ग फ्लाइट्स। आई हेट ट्रैवलिंग, लाइक आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन जो जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। लॉन्ग ड्राइव्स बट विद गुड कंपनी। शूट्स पर सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है आपको? जब हर कोई प्रोफेशनली काम कर रहा हो, टाइम पे आए, सब मेहनत कर रहे हो, खुशी खुशी का एक माहौल हो, कोई जेलसी ना हो, कोई इनसिक्योरिटी ना हो, बहुत मज़ा आता है। फरियाल, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? Anything that makes you fat,
आई लव फैटनिंग फूड. आई लाइक पिज्ज़ा, आई लाइक टाकोस. देसी खाना भी मुझे बहुत पसंद है, पराठों के साथ, मतलब कढ़ाइयाँ और वो सारी चीज़ें. वेट लूज करने में कितना वक्त लगा था आपको? It took me 3 years to actually lose all the weight. Eastern wear or Western? Definitely Western. I like Eastern too, but I think Western suits me more. कोई ऐसा मेल आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ काम कर लूँ. सिंगिंग किस एज में स्टार्ट की थी आपने? सिंगिंग मैंने कभी भी प्रोफेशनली परसू नहीं की, लेकिन मेरे नाना जो थे वो एक उस्ताद थे और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया था जब मैं 13 साल की थी. क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किसी तब्दीली की ज़रूरत है? बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है. आई थिंक के नेपोटिज्म ख़त्म होना चाहिए. आई थिंक के मेरिट पे काम मिलना चाहिए. आई थिंक के यू नो इन चीज़ों को, टैलेंट को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, ना कि शशकों पर. अगर ये एक्टर्स एक्टर्स ना होते तो क्या होते? अदील हुसैन. अदील शायद क्रिकेटर होता या कुछ बाइक से कुछ लेना देना होता. ही लव राइडिंग हिज बाइक. इमरान अशरफ. इमरान अशरफ क्या होता? वो डायरेक्टर होता. फरहान सईद. फरहान सईद वैसे भी एक्टर हैं और सिंगर भी हैं, तो वो सिंगर ही होते या फिर क्रिकेटर होते. आई कैन टोटली लुक लाइक यू नो आई कैन टोटली पिक्चर हिम एज अ क्रिकेटर. व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? व्हाट इज माय बिगेस्ट ड्रीम? माय बिगेस्ट ड्रीम इज टू जस्ट हैव अ वेरी हैप्पी एंडिंग, हैप्पीली एवर आफ्टर. दासी ड्रामे का कोई यादगार वाक्या जो हमसे शेयर करना चाहें? दासी ड्रामे का कोई यादगार वाक्या, ऐसा तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ सेट पे कि वो याद रह जाए. हाँ, अपनी परफॉर्मेंस, या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस में रहती हूँ, अपने सीन्स में रहती हूँ और फन हो रहा होता है लेकिन मैं अपना सीन याद कर रही होती हूँ, तो आई एम नॉट रियली अ पार्ट ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन द सेट. बट It's an amazing experience. Mohsin bhai is amazing. He keeps everyone very peaceful and very happy on set. Mabra, Adil, Furkan, Mohsin, Kamran bhai, everyone is great. Aapka favorite singer kaun hai? Mera favorite singer Pakistani? Yes. I would say Rahat Fateh Khan. आपको खाना पकाने का भी शौक है या सिर्फ खाना खाने का? मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है और खाने का भी. Priyal, who is your favorite designer? Rizwan Beg and Ali Zijan. Describe yourself in a hashtag. Hashtag crazy. Who is your favorite director? My favorite director so far, I would not name one. I would like to name 2-3. My favorite director so far that I've worked with is Ehsan Talish, Farooq Rind, and obviously Mohsin Talib. आपका favorite song कौन सा है? मेरा favorite song वो change होता रहता है, but right now I'm listening to this track from Funkadelic. It's an old band and they came out with this पीस जिसमें बहुत प्यारा गिटार बजा हुआ है एंड इट्स कॉल्ड मैगेट ब्रेन. दैट्स व्हाट आई एम लिसनिंग टू राइट नाउ. क्या हमें ये गुनगुनाते हुए गुड बाय कर सकेंगे आप? गुड बाय गुड बाय गुड बाय.